जय जिनेंद्र बंधुओ, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप अवलोकन कर रहे हैं हस्तिनापुर की पावन पुनीत धरा पर निर्मित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व के सुख शांति समृद्धि के लिए आयोजित 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 45वें दिन की मनोरम झलकियों को। सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री जी ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारम्भ किया। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री मुनीश कुमार जी, हर्ष जैन, जगराव पंजाब को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री विपुल जैन मुरादाबाद, सलिल जैन देहरादून, राजकुमार जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने विश्व के सभी जीव सुखी रहे ऐसी मंगल भावना के साथ शांति धारा का उच्चारण किया।
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप का प्रज्वलन श्रीमती निर्मल जैन, जगराव उमरानी जैन, राजकुमार जैन गाजियाबाद, सपना जैन, दीपक जैन मुजफ्फरनगर ने किया। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। भावनाओं को उठाते कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होता है, जिसमें यदि दर्शन विशुद्धि भावना में यदि कोई मेन भावना के भू भावना के वात्सल अंग धरे जो कोई सो तीर्थंकर पदवी हुई, उस भव आत्मा के अंदर बाहर की पर्याय नहीं दिखती है, उससे चाहे एक इंद्री जीव को, चाहे दो इंद्री जीव को, चाहे वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस चूखा कोई भी हो, उसे बाहर की वो शरीर दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर यदि वो देखता है तो जीवात्मा को देखता है, और जीवात्मा चाहे पंचेंद्री का को, चाहे आदि प्रभु का को, चाहे सिद्ध प्रभु का को, हमारा आपका को, सबका जीवात्मा कैसा है? एक समान है, उसमें अंतर नहीं है। आज 1001 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती मुन्नी देवी, मोहित, शालिनी, वृद्धि, आद्या, सोहित, अंजलि, आरू, विचु जैन, अरहम शरणम हस्तनापुर, श्रीमती सोनल जैन, राजेश जैन, सागर जैन अहमदाबाद, श्री सलिल जैन, मधु जैन देहरादून, श्री राजेश जैन, गीता जैन, युक्ति अलीशा, नमन जैन गन्नौर, नरेंद्र जैन, राजेश जैन, अर्चना जैन, कृतिका जैन, श्राविका जैन, पारस जैन, नैना देवी जैन देहरादून, अनुपमा जैन भरतपुर ने विधान एवं पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र जन्यरातुनासना जलंधर पानती ओम नमः परम सत्य विदायकाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपानिति ओम नमः परम सत्य विदायकाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र क्षदारो गुणासनाय नैजदम निर्वपानिति परम सत्य विदायकाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति ओम नमः परम सत्य विदायकाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामिति ओम नमः विश्वविघ्नराय क्लीमामि जाच्छ संहितार दस्तताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरूपामिति दस्तताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरूपामिति रसविनायक जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निर्वपामिति ओम नीम सकल पाप फल कष्टमाणाय क्लीमामि जाच्छ संहितार दस्तताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरूपामिति ओम नीम अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीमामि जाच्छ क्लीम महावीर चल सही
सर दूसर शुभ दर्शना के लिए मैं अभी श्री सोमनाथ जिनेन्द्र हरगम निरूपा मिति भक्तामर पाठ का शुभारंभ क्षेत्र की कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन गैस वाले संयम जैन मेरठ ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच सुदूर प्रदेशों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती आशु सोनिया रंजिता शिल्पी चंचल कमला देवी जैन सिद्धि जैन हस्तिनापुर श्रीमती तारा देवी गुलाब चंद जैन अशोक अलका संजय अंशु ऋषभ सृष्टि डॉक्टर रवि डॉक्टर शिवांगी गंगवाल झुटवाड़ा जयपुर श्रीमती मैना देवी कैलाश मंजू मनोज सुधा सीए उत्कर्ष सीए ऋषभ उन्नति जैन जनता कॉलोनी जयपुर श्री सुनील जैन रीणु जैन ममता प्रीति हर्षित गौरव जैन शक्ति नगर दिल्ली मोनिका संजय पुष्पित मुस्कान जैन सिहारा बिजनौर विनीता सुधीर शुभम तान्या जैन तैतुल तल्ला कलकत्ता ने पाठ का वाचन किया। मंगलवासर मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म शर्तम जलादि संगुण मार्गम निर्वपामिति कर्म शांति दीजिए हम सबको सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे सतव्रतों का सुजस करके दूसरा को सभी का बोलो प्यारे भजन हित के आपका रूप ध्यान बोलो से वो चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाओ ये जगवंत जिने सर पाओ तब चरण शरण बलारी। समस्त स्थानीय जैन समाज ने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ कैलाश पर्वत पर 48 दिन का भक्तांबर का पाठ चल रहा है। इसमें पाठ में हमने पूजन करके धर्म लाभ प्राप्त किया, इसमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सुंदर आरती हुई के द्वारा ये जो पाठ आयोजित किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। यहाँ आकर बहुत ही मन खुश हो गया। कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का विधान चल 48 दिनों का भक्तांबर विधान चल रहा है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ विधान किया, हम सभी लोगों को बहुत आनंद आया। आज भक्तांबर पाठ का 45वां दिन है, 3 दिन और शेष बचे हैं। आज 45वें दिन पाठ जो है मेरे भैया भाभी दिल्ली रोग निवारक हेतु उनकी तरफ से भी था और 3 दिन और शेष बचे हैं। आप लोग सभी आएँ और इस भक्तांबर पाठ में अवश्य भाग लें। आज भक्तांबर विधान का 45वां काव्य था और जिसमें हमने आज शांति धारा का भी सहयोग लिया है और शांति धारा से भगवान सब घर में सुख शांति लाए, यही हमारी भावना रहती है। आज के विधान का विसर्जन राजुल जैन ककरौली ने किया। श्री आदिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती उमा रानी जैन राजकुमार जैन गाजियाबाद ने किया। चम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो चम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगली आरती की आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती पूनम जैन मनोज जैन सहारनपुर ने किया। जगमगी जगमगी आरती की जय आदिश्वरी भगवानी प्रथम देवी तारी प्यारी शंकरी गोरी चौबीसों भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री निर्मल जैन जगराम द्वारा किया गया। को
मंगल बेला में प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल एवं श्रीमती पूनम जैन, मनोज जैन, प्रसून जैन, शुचि जैन सहारनपुर की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सुशील जैन चावल वाले मेरठ, भूषण स्वरूप मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, विजय कुमार जैन बैंक वाले मेरठ, विपुल जैन भरतनगर दिल्ली का विशेष सहयोग रहा। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पुनः उपस्थित होंगे कल इसी समय। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय जिनेंद्र। कल के प्रश्न का उत्तर है उत्तर बी, मोह राग। विजेता पहले लीना जैन सहारनपुर, दूसरे सविता रारा जयपुर, तीसरे संगीता जैन नादेड़। प्रोत्साहन पुरस्कार पहले सुमन जैन गुरुग्राम, दूसरे मोनिका जैन इंदौर, तीसरे मधु जैन गाजियाबाद। आज का प्रश्न, श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जन्म तिथि बताइए। ए बदी अष्टमी, बी सुदी नवमी, सी बदी नवमी या फिर डी बदी दशमी।